आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार अगर बनने जा रही है तो फिर कैसी मेजोरिटी? जी, 2005 का चुनाव था, 67 सीटें कांग्रेस को मिली थी। पहला चुनाव था जब कांग्रेस को वो बम्पर मेजोरिटी मिली थी। बिल्कुल, उससे पहले और उसके बाद में आज तक कभी नहीं हुआ। क्या ये चुनाव 2024 वाला चुनाव वहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है? कुमारी शैलजा जी, कुमारी शैलजा ने कल अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सीएम का दावा कोई एक या दो बार नहीं होता, कंटिन्यू रहता, यानी कि मेरा दावा है जी तो है। ठीक है, मनोहर लाल ने खट्टर ने बीजेपी का खटारा कर दिया, लोग ही कहा करते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। लगभग 70% के आसपास हरियाणा की जनता ने अपना मतों का प्रयोग किया। बम्पर में इसको वोटिंग माना जा रहा है कि बम्पर वोटिंग हुई, और जब जब बम्पर वोटिंग होती है तो उसके अलग मायने होते हैं। जब जब मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की तो फिर सरकार के खिलाफ एक मैंडेट बना वो, और सरकार के खिलाफ मैंडेट जा करके विपक्ष को उसका फ़ायदा मिला। चाहे वो चुनाव 2005 का रहा हो, चाहे वो चुनाव 2014 का रहा हो, तमाम चुनाव के अंदर अगर आप देखते हैं, इस चुनाव के लिए मतदान के बाद में एग्जिट पोल भी आ चुका है। हालांकि एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं माना जा सकता। एग्जिट पोल जिसने तमाम अनुमान दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 20 से लेकर कर 29 और 34 सीट तक कह रहे हैं कुछ लोग, और कांग्रेस के लिए 44 से लेकर के और 62 तक लोग कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँच सकती है। जो वोट ऑफ पोल है, यानी कि जो पोल का पोल है, एग्जिट पोल के पोल का जो है, उसके अंदर अगर जाए तो फिर 54 सीटें मिलती हैं कांग्रेस को और 24 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी के लिए। एग्जैक्ट पोल क्या होगा ये 8 तारीख को सामने आएगा। इसके पीछे कारण क्या, क्या रीज़न रहे, क्या हालात बने और कैसा हरियाणा का जो सिनेरियो बना, इस सब के पीछे क्या क्या घटनाक्रम प्रमुख रहे, इन कुछ बातों को लेकर हम चर्चा में हैं सुरजेवाला जी के साथ, देवेंद्र सुरजेवाला जी। जी सुरजेवाला जी राजनीतिक मामलों की अच्छी गंभीर जानकारी रखते हैं और हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त गजटेड ऑफिसर रहे हैं, क्लास 1 अधिकारी। सुरजेवाला जी आपका स्वागत है। नमस्कार। हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो गया। जी हाँ। विधानसभा चुनाव के बाद में एग्जिट पोल भी आ गया। हाँ। और तमाम एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सरकार बनाने का एक तरह से इशारा कर दिया, दावा कर दिया कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार अगर बनने जा रही है तो फिर कैसी मेजोरिटी? जी जी, 2005 का चुनाव था, 67 सीटें कांग्रेस को मिली थी। पहला चुनाव था जब कांग्रेस को वो बम्पर मेजोरिटी मिली थी। हाँ बिल्कुल, उससे पहले और उसके बाद में आज तक कभी नहीं हुआ। क्या ये चुनाव 2024 वाला चुनाव वहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है? देखिए, ये जो एग्जिट पोल आए और लोगों के जो अनुमान हैं, और जैसे कि हवा चल रही थी हरियाणा में चुनावी, तो लोगों से जो बातचीत और निष्कर्ष जो निकलता था वो यही निकल रहा था कि सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। जी। और अब चूंकि मतदान हो चुका और एग्जिट पोल भी आ गए हैं, जितने भी एग्जिट पोल आपने अगर देखा हो, हमने देखा है, सभी के अंदर ये दर्शाया गया है कि सीटें कांग्रेस की ज्यादा है। हुड्डा साहब की बोली में कहते हैं कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हाँ, अनेक एग्जिट पोल। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये सभी का ये अनुमान है और लगता भी यही है कि जो होने जा रहा है, जो होने जा रहा है। जी जी जी। और जहाँ तक आपने कहा कि 67 सीटें आई थी 2005 के चुनाव में, जी उतना तो शायद नहीं लगता, उस जो आंकड़ा है उसको तो शायद ना छू पाए, बट उसे थोड़ा सा भाव कुछ कम ज़्यादा थोड़ा बहुत पहुँच सकती है। अच्छी बहुमत में जो है ना सरकार बनने के आसार हैं और स्थायी सरकार बनेगी। सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा में मजबूत सरकार, एक स्थायी सरकार बनने जा रही है, जो कि एक अच्छा शुभ लक्षण है। और सीटों का जैसा अनुमान है सभी ने जो दिया है, तो कुल मिला के अगर सारा कुछ देखें तो ऐसा लगता है कि भाजपा को जो है ना 24-25 सीट के आसपास मैक्सिमम, हाँ, जो आ रही है, और कांग्रेस को 57-58 यानी 60 तक भी टच कर सकती है, अंदाजा वही 60। और इंडिपेंडेंट्स और जो अदर्स हैं
उनको मिला करके 8-7-8 सीटें उनको जा सकती हैं, ऐसा अनुमान है। चुनाव शुरू जब हुआ जी और चुनाव के दौरान में, हाँ जी, ऐसी बातें चली कि जैसे एक तरफ जेजेपी वाला अलायंस, जेजेपी ईएसपी, एक तरफ बीएसपी इनेलो वाला अलायंस कि भाई ये जाट और जाटव खासकर दो कम्युनिटीज़ को जी, यानी कि जाट और एससी वोटर को प्रभावित करेगा, लेकिन जो एग्जिट पोल को देखें या जो मतदाताओं का रुख था, मतदाताओं का मूड था, मतदाताओं का जो मिजाज था, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की मैंने लगभग 4-5 विधानसभा सीटों पर मैं गया था, अलवल गया, हथीन गया, होडल गया, पृथला आया, बल्लभगढ़ देखा और कुछ एरिया फरीदाबाद ओल्ड भी गया था जी। बाकी सीटों पर जाने का तो मौका नहीं मिला, पर यहाँ जरूर से गया इन सीटों पर। ठीक है, मुझे जो लगा कि वो मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की जो प्रयास था वो नहीं हो पाया, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि आपने कहा कि ये कुछ गठबंधन हुए इनेलो का बीएसपी के साथ, जेजेपी का एएसपी के साथ, जहाँ तक संबंध है इस चुनाव में जेजेपी के प्रति तो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा, नेगेटिविटी थी, हाँ बहुत ज़्यादा, और शुरू से ये लग रहा था कि उनको तो कैंडिडेट्स भी पूरे नहीं मिलेंगे, और हुआ भी नहीं, कुछ उनके छोड़ के भी चले गए। उस गठबंधन का नाम मात्र ही कोई आप कहेंगे, ये विचार था कि भाई ये हो सकता है कांग्रेस को कुछ डैमेज करें, लेकिन नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जेजेपी का तो शायद ही कोई उम्मीदवार अपनी जमानत भी बचा पाए, ये हाल जी है। ये हाँ, जहाँ तक इनेलो का है, इनेलो का वोट कुछ पड़ा है, शेयर बढ़ेगा, हाँ शेयर भी बढ़ेगा, और कई सीट ऐसी हैं 8-10 जिन पे उनकी उन्होंने अच्छी प्रदर्शन किया। हाँ बिल्कुल, एलनाबाद है, रानिया है, डबवाली है जी, फरीदाबाद की एनआईटी है, फरीदाबाद की हथीन है, हथीन है, यमुनानगर है, नरवाना है, कई सीट है, रादौर है, नूह है, तो उन सीटों पे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, मतलब इनेलो वहाँ पर नंबर वन नंबर टू की लड़ाई में रही। हाँ ये तो, कह सकते हैं। हाँ जी, लेकिन फिर भी जहाँ तक सीट निकालने का है तो नहीं लगता कि वो 2 या 3 से ज़्यादा इनेलो को कोई सीट मिल पाएगी, मिल पा रही हो, ऐसा अनुमान है। और ऐसे इंडिपेंडेंस का है जी, 5-6 आ सकते हैं जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, तो कुल मिलाकर के यही 10 से नीचे, 1.5 से नीचे जो ये सब निपट जाएंगे। हाँ, अदर सब निपट जाएंगे, सब निपट जाएंगे, कहते हैं कि सब निपट जाएंगे। हाँ, भाई 10 के आंकड़े में सुरजेवाला जी सब आ जाएंगे जी, और बाकी बच जाती है 80 सीटें। हाँ, अब 80 सीटों का मोटा मोटा अगर आंकलन करें आप, अगर बिल्कुल ही लेमैन की भाषा में कहें तो 60 सीटों के आसपास कांग्रेस का है और 20 के आसपास भाजपा का। थोड़ा है। सा हम इसको डिफाइन उसमें करते हैं। 2-4 सीट ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकती है। मैंने फरीदाबाद हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं जी, मैं कल भी हमने कुछ सीट विधानसभा की बारे में लोगों को बताया भी अपने दर्शकों को। हाँ जी, हाँ जी, अप्रोक्सीमेट हर एक लोकसभा में जी कांग्रेस 6 सीटें के फिगर पर है, 9 में से 6। हाँ, ऑन एवरेज, ऑन एवरेज एक आध जगह 7-8 है और एक आध जगह 5-5 भी, 4-5 तक। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो मेरा अनुमान गया है वो ये कि हर लोकसभा सीट में कांग्रेस 6 पर आराम से एवरेज है, तो इस लिहाज से 60 के समझ के चला जाए कि 60 के आप अप्रोक्स कांग्रेस और 20 के अप्रोक्स भारतीय जनता पार्टी, ये निचोड़ निकलता है। अप्रोक्स 10 के आसपास 9 हो 8 हो इंडिपेंडेंट अदर्स कुछ, आम आदमी पार्टी पता नहीं है कहीं के नहीं है, जेजेपी तो आपने कह ही दिया, आम आदमी पार्टी का भी कहीं कोई वो एक आध जगह शायद फाइट में है, वो बाकी कहीं नहीं है, वो यमुनानगर में है 1 सीट जी, जहाँ है जगाधरी में थोड़ा सा, जगाधरी या थोड़ा सा वो उनका थोड़ी सी फाइट वो भी मुझे लगी है, हाँ मुझे लगी थोड़ी सी फाइट वो रेवाड़ी में भी कर रहे हैं, वो जहाँ 1-2 कैंडिडेट अच्छा है उसकी वजह से है, लेकिन पार्टी के नाम से कहीं कुछ नहीं। सुरजेवाला जी जी, 3 फैक्टर इस चुनाव में जी जो चले विशेष, हाँ जी, मैं एक एक करके तीनों पे आपसे बात करता हूँ। एक फैक्टर कांग्रेस के लिए, हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस का फैक्टर ये था कि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाँ, स्वघोषित सीएम कैंडिडेट थे, हाँ, वो अपना खुद को घोषित मान लें, कार्यकर्ताओं का घोषित मान लें, उनके चाहने वालों का घोषित मान लें, उनके समर्थकों का मान लें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद कहीं नहीं कहा, वो आज भी नहीं कह रहे, आज भी नहीं कह रहे, सुलझे हुए पॉलिटिशियन है। उनका एक इंटरव्यू देखा, हाँ हाँ बिल्कुल, जिसमें उन्होंने पूछा कि भाई उन्होंने साफ एमएलए हमेशा ये कहते हैं कि हमारे जो विधायक है उनकी विधायक दल की बैठक होगी
और वो कांग्रेस आलाकमान की दोनों तय और फिर आलाकमान उसकी वो देगा। इधर दूसरी तरफ हाँ, उसमें ये भी पूछा गया कि कुमारी सैलजा कहती वो हमारी सीनियर नेता है। मैं वही आ रहा था। कुमारी सैलजा जी, कुमारी सैलजा ने कल अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सीएम का दावा कोई एक या दो बार नहीं होता, कंटिन्यू रहता, यानी कि मेरा दावा है जी तो है जी। रणदीप सिंह सुरजेवाला वो भी कह रहे थे कि किसके मन में इच्छा नहीं होगी मुख्यमंत्री बनने की, बहुत अच्छी बात थी बिल्कुल। कांग्रेस का जो सारा चला सिनेरियो, सारा सीन चला, सैलजा नाराज, सैलजा मनी, वो वाला सीन भी सबको ध्यान है जब राहुल गांधी ने दोनों के हाथ मिलवाए, अपना हाथ पीछे कर लिया बीच में से। हाँ, वो पीछे मैसेज देने का प्रयास था, सामने ला दिया, मैसेज देने का प्रयास था। हाँ बिल्कुल। ये सारा घटनाक्रम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जी कहीं भ्रमित तो नहीं कर पाया? नहीं, भ्रम का सवाल नहीं है, ये है देखिए अगर आप सभी घर के सदस्य मिलकर कोई काम करेंगे तो उसका नतीजा बेहतर होता ही है। जो मैंने ग्राउंड पे देखा, मुझे लगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक था कि पहले अपनी सत्ता बना लें, ये तो होता ही है, बाकी सब कुछ देख लेंगे। देखिए ऐसा है कि बहुत पहले कुछ लोगों ने ये इस तरह के बातें उठाई कि भी कांग्रेस को तो कांग्रेस ही हराती है। कुछ ने ये भी कहा कि अगर मिल के रहे तो ये 65-70 सीट तो ये आराम से कांग्रेस को मिल जाएगी, और अगर आपस की इन फाइटिंग अगर ये हुई, फिर भी आप धारणा की बात कर रहा हूँ मैं, आप जनमानस के अंदर जो ये बातें आप फील्ड में जाते रहे हैं तो आपको भी सुनने को मिली होगी कि 52-55 सीट तो फिर भी आएंगी। ये तो तय था लोगों का पहले से ही, ये माइंडसेट और ये लोगों के बीच में। मैं अगर ये कहूँ माइंडसेट तो 2 साल से था, हाँ फिर कांग्रेस सरकार बनाएगी बिल्कुल, ये लोगों का माइंडसेट बन चुका था जी। अब लोकसभा में तो देख लेंगे, लोकसभा के चुनाव में भी ये हुआ कि तो मोदी के नाम पे 5 सीट जो मिल गई बीजेपी को, मोदी के नाम पे दे रहे हैं, विधानसभा में बदले हुए हालात देखिए। और वो केंद्र की राजनीति और राज्य की जो है सरकारों की नीति वो अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं और हमेशा ही उन बात पे अलग अलग से डिसाइड करता है वोटर। तो कांग्रेस के अंदर मैंने ये देखा कि लोगों के कांग्रेसियों के मन में ये रहा कि अपनी सत्ता पहले ले लें, ये तो उसके बाद ये तो अच्छी बात है और समझ में आती है। सब अपना अपना जो है ना वो अपनी सीट निकालने के उसमें प्रयास में लगे रहते हैं, तो उसका बेनिफिट भी कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है क्लियर क्लियर सा। अब आपने कहा कि भी ये ऐसे बीच में 2-3 प्रकरण आए जिससे, ठीक है कि उतार चढ़ाव हर जगह आता है, चुनाव के अंदर कभी चुनाव में उठाना उठता है, कभी चुनाव में हवा बनती है, कभी हवा की ऊपर नीचे होता रहता है, ये सब चीजें चलती हैं। ये कई फैक्टर हैं जिसके जो चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं। ये तो कांग्रेस वाला हुआ। मैं जो अगला जो आपसे कह रहा था जी, मैं अगला जो आपसे कह रहा था भारतीय जनता पार्टी का। हाँ जी, देखिए एक तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले आज से लगभग 5 महीने पहले 6 महीने पहले जी हाँ जी, नायब सिंह सैनी को लाया जाना और मनोहर लाल को विदा करना। हाँ जी, मुख्यमंत्री के पद से जी। 11 मार्च 2024 मनोहर लाल का इस्तीफा और 12 मार्च 2024 नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी। उसके बाद में आचार संहिता लग गई। हाँ, नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री कोड ऑफ कंडक्ट में निकल गया 2 महीना लगभग जी। उसके बाद फिर 5 जून को जो आचार संहिता खत्म हुई 4 जून को, तो फिर 15 अगस्त के बाद आचार संहिता लग गई बिल्कुल। ये टर्म मिला नायब सैनी को। हाँ जी, मनोहर लाल के लिए ये बन चुका था, लोगों के बीच एक आम धारणा थी कि मतलब मैं आप बताऊं सुरजेवाला साहब, किसी से पूछ लो जी, लोग कहते थे मनोहर लाल ने डुबो दिया बीजेपी को। ठीक है, मनोहर लाल ने खट्टर ने बीजेपी का खटारा कर दिया, लोग ये कहा करते थे। हाँ, नायब सिंह सैनी आ गए उसके बाद। हाँ जी, नायब सिंह सैनी को ऐसे चेहरे के रूप में पेश किया भारतीय जनता पार्टी ने कि जैसे पिछड़े गरीब इन लोगों को केवल बीजेपी उठा सकती है और बीजेपी में ही हो सकता है, प्रतिनिधित्व दिया गया। नायब सिंह सैनी ने भी लोगों के बीच में दरवाजे खुले हैं ये वो सब कुछ रखा। हाँ, चुनाव आ गया, चुनाव आ गया तो फिर जो कुमारी सैलजा वाला प्रकरण था जी कांग्रेस का था, पर बीजेपी ने उसको ऐसे समझा कि जैसे वो तो हमेशा की तरह इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करने की कोशिश की, नॉक भी खूब किया उनको। हाँ, दस्तक भी दी, दस्तक सुनी नहीं, सैलजा ने नहीं सुनी या उनकी दस्तक कमजोर थी। और घटनाक्रम जब अंत जब हुआ जी, वो ये हुआ कि वो कहते हैं कि चौबे जी चले थे छब्बे बनने और तिब्बे बन के आए, यानी कि भाजपा कर रही थी सैलजा को लाने की कोशिश। हाँ जी, अशोक तंवर और चले गए। इन चारों घटनाक्रम का
क्या इम्पैक्ट राजनीति? देखिए, आपने कहा कि पहले खट्टर साहब जो है करीब 9.5 साल उनका कार्यकाल रहा, और दूसरी बार भी वो 2019 में मुख्यमंत्री बनकर आए। पहली बात तो ये है कि हरियाणा के लोगों में ये रहा शुरू से कि वो ना तो विधायकों की पसंद थे ना वो जनता की पसंद के, ऐसा कुछ लोगों में एक वो था, अलग तो थोपा गया थे। था ऊपर से जैसे उनको बैठाया गया। तो एक तो सबसे बड़ा ये कारण था कि उनकी जो है ना लोकप्रियता को जो, पर 2019 में तो वो सीएम का चेहरा घोषित थे, वो तो फिर वो आला कमान की तरफ से थे ना। हाँ। आला कमान ने कहा था कि इन्हीं को हमने रखना है। जनता ने उनको मंजूर किया, जनता ने उनको कंसीडर किया और 40 सीटें दी। अगर इनको नायब सैनिकों को कहा कि भाई हमारा चेहरा होगा तो जनता को तो स्वीकार करना पड़ेगा, जिसने वोट देना। आज भी ये कह रहे हैं कि अगर हम भाजपा सरकार बनाएगी तो नायब सैनिक हमारे मुख्यमंत्री होंगे, जनता क्या करेगी। अच्छा, नायब सैनिक आने का बीजेपी कितना फायदा? जैसा पंजाब में चन्नी साहब का हुआ था फायदा, ये हरियाणा के चन्नी साहब से साबित हुए। भाजपा वाले बड़े उत्साहित हैं। भाजपा तो नायब सैनी के नाम को यूं कैश करते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार आए हरियाणा में सभा करने। हाँ। एक हिसार की सभा में मनोहर लाल जरूर मौजूद थे जी, लेकिन मोदी और मनोहर का इस्तकबाल तक नहीं हुआ, मोदी ने मनोहर को देखा तक भी नहीं, उनके पोस्टर भी नहीं, भाषण भी नहीं देने दिया। अब मैं इसी बात का मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। भाजपा की ये एक बड़ी सोची समझी चाल है कि मनोहर लाल को बलि का बकरा बना दिया जाए, अच्छा सारा दोष सारा कुछ उन पे थोप दिया जाए। एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि गलतियां उनकी हैं, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि उनको जैसा कि वो इतने लोकप्रिय नहीं थे कि भी उनको मुख्यमंत्री की चाहना हो लोगों की, केंद्र ने उनको यहाँ पर तैनात कर दिया, बाय डिफॉल्ट वो मुख्यमंत्री बन गए। अब उनका जो कार्यकाल था उसमें उनकी एक तो पब्लिक डीलिंग जिसको कहते हैं ना वो बिल्कुल कमजोर थी, बिल्कुल। दूसरा डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, कोई लोगों को राहत नहीं मिली, जो बातें कही गई थी, कुछ ऐसे फैसले लिए गए स्टेट लेवल पर जिनका कि आम जनता बहुत दुखी रही, चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे वो आड़तियों का हो। कितनी बार ये आड़त का जो था ना वो जो दाबी कहते हैं उसको, आड़त के कमीशन का जो परसेंटेज वो घटा दी बढ़ा दी, फिर उन्होंने एजिटेशन किया फिर वापस ले ली, फिर वो हो गया कभी आंगनबाड़ी सरपंचों। अच्छा, जितने कर्मचारी एजिटेशन इस सरकार में हुए मुझे लगता है इतने कभी नहीं। मैं कह रहा हूँ, अब सरपंच चीज का आपने कहा, खाम खा बैठे बैठा है पंगा लिया, और फिर जो है ना अब सरकार ने कहा कि नहीं हमने तो 20 लाख तक की उनको छूट दे दी, ये कई इस तरह के फैसले लिए जो बाद में वापस भी लेने पड़े और वो खामियाजा भी भुगता। ठीक है, सीधे सीधे एक मिनट, आंदोलन हुआ, जाट आरक्षण हुआ, राम रहीम का हुआ या दूसरे, उनमें भी सरकार का जो रोल था उसको अच्छी तरह से निपट नहीं पाए ये। और दूसरा खट्टर साहब की जो है ना आम जनता के बीच जो संवाद था उसमें भी खासी कमी, जनता के बीच मैसेज दे नहीं पाए कुछ भी, कोई नहीं दे, ये उल्टा दे पाए, उल्टा मैसेज गया। जींद में मुझे याद आ रहा है एक बुजुर्ग दंपत्ति उनसे अपनी गुहार लगा रहे थे, अपनी दरखास्त दे रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, और वो लाइन में लगे और खट्टर साहब उन पर गुस्सा कर रहे हैं, कहते मैं आपको अंदर करा दूंगा। गुस्सा तो बहुत करते थे। नहीं, अब भाई उनकी बात तो सुन लो, वो बार बार हाथ जोड़ के कह रहा है साहब मेरी बात तो सुन ले आप, नहीं नहीं मैंने नहीं सुन ली। एक महिला ने ये सवाल उठाया कि जी हमारे यहाँ रोजगार नहीं है तो कोई अच्छी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा दें, हो सकता है उससे कुछ बच्चों को रोजगार मिले, कहते इनको चांद में भेज दो। सिरसा में एक महिला सरपंच ने अपनी बात रखनी चाहिए, वो ये कहती रही मैं आपकी बेटी हूँ, आप हमारे पिता हैं और हमारा आपका नाता राजा और प्रजा का, पिता पुत्री का है, आप मेरी बात तो सुन ले। उनकी बात ना सुन के कहते इनको बाहर निकाल दो। अभी हिसार में चुनाव के दौरान एक नवयुवक को कहते हैं इसको उठा करके बाहर फेंक दो। यानी इस तरह की जो पब्लिक डीलिंग थी ना वो उनका खामियाजा। मैं वही कह रहा हूँ 2014 का चुनाव, चलो चलिए ये 2014 का चुनाव में फरसे से गला काट रहे थे, गर्दन काट दूं, ये सारी पब्लिक डीलिंग। 19 वाले चुनाव में कोई सेल्फी लेने लगा तो उसको धमका रहे थे। फिर नीति जैसे हमने कहा ना, कभी तो आड़तियों का, कभी
आंगनबाड़ी का, कभी सरपंचीज का, उनको किया और फिर वापस भी हुआ। अब पोर्टल्स, अब यह पीपीपी जिसको कहते हैं परिवार पहचान पत्र, आपका ये प्रॉपर्टी आईडी, जनता बारे बारे फ्री और इतनी दुखी, और वो यैसी नाम की एक कंपनी को आपने करोड़ों रुपए दे दिया और वो सत्यानाश करके चले गए और जनता दुखी, और फिर वही है थोप के रखा। भाई उसको सुधार करो या जनता को जो है ना उसकी चाहना के मुताबिक काम करो। मैं भाई अब वो चुनाव के दिनों में दरबार लगाए, और दरबार क्या लगाए, किसी का भला हुआ? उन दरबारों में एप्लीकेशन दे रहे थे लोग, प्रार्थना पत्र दिया, उस पर उच्च अधिकारियों ने मार्क कर दिया, जाओ कमेटी में, जाओ आप नगर निगम में। अब नगर निगम ने क्या करना है, जिसके खिलाफ शिकायत थी वही वापस भेज दिया, वही वापस, उसका कोई जनता को राहत नहीं मिली। मैं कह रहा हूं मनोहर का, अब आ जाइए आप नायब सैनी के ऊपर, ये तो और भी ज्यादा मनोहर लाल का जो कार्यकाल था उससे भी ज्यादा। ये कहते मैंने थोड़े से अपने कार्यकाल में, 56 दिन के कार्यकाल में मैंने 236 वो घोषणाएं या जनहित के फैसले लिए हैं। कौन से फैसले हैं भैया, एक बता दिए। ये दरबार लगाए, क्या दरबारों को राहत मिली? 100 गज के प्लाट हम देंगे, क्या मिला? 2 लाख नौकरियां देंगे, क्या इस दौरान कोई नौकरी मिली? मतलब कोई तो कंक्रीट इस 56 दिनों के अंदर उनका था कि दरबार खुले हुए, लोगों से मिलते थे, वो वाली थोड़ी छवि दिखाने की कोशिश की। आप मिल पाए कभी? आपने कोशिश की? या आम जनता का वहाँ दरबार में इनके जाने का कोई सौभाग्य किसी को मिला? अब कहना है कि जी जनता के दरबार खुले हैं, उसमें कुछ मिले तो सही भाई। आप बस स्टैंड खुला है, बस जा नहीं रही, बस में बैठो और उतर के आ जाओ, बस तो चल नहीं रही, आप बस स्टैंड के दरबार तो खुले हैं, तो जनता को कोई राहत नहीं मिली है। और इनको तो ये कहा गया, मैंने एक ही शब्द में इस्तेमाल कर दिया, जैसे पंजाब में चन्नी साहब या हरियाणा के चन्नी साहब सिद्ध हुए हैं। तो मतलब ये दो मनोहर का ने जो कहते हैं खट्टर ने खटारा बिठा दिया बीजेपी का या हरियाणा का, इनको तो नायब तहसीलदार जैसे होता है ना, तहसीलदार फिर नायब तहसीलदार, एक कोर्ट में नायब कोर्ट होता है, इनको तो खट्टर साहब का नायब माना गया। अच्छा, नायब का मतलब डिप्टी। हाँ, मतलब नायब खट्टर के नायब ये कह देते हैं। ये खट्टर साहब जनता को कोई संदेश नहीं दे पाए, ये भी ये कोई फैसला नहीं ले पाए, फैसला नहीं ले पाए। अभी तक सुपर सीएम उनको माना गया, सीएमओ ऑफिस में एक भी आदमी का कोई बदला बदली हुई, वही अधिकारी, वही फैसले, वही जो एक कॉकस जो खट्टर साहब को घेरे हुए था, वही सैनी साहब। वो एक सैनी साहब का अपना कोई निर्णय तो बता दो, कोई एक ले पाए। एक चीज थी ना, भी खट्टर साहब के दिशा वो लेकिन कदम पे चल रहे थे, लेकिन बदनाम करने का या उनको बलि का बकरा बनाने वो का खट्टर, वो खट्टर साहब को। मतलब इसमें मैं एक और चीज जोड़ दूं जी, बड़ी क्लियर कट, खट्टर साहब को जो हरियाणा में जो ये जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, जो माहौल नजर आ रहा है, जो सत्ता का परिवर्तन की तरफ लोग देख रहे हैं, इसमें बजाय खट्टर के मैं तो मोदी साहब का ज्यादा रोल है, वो ज्यादा दोषी है। आपने कहा कि मोदी के नाम से 5 सीटें आई, मोदी के नाम से 5 सीटें भी गई। मुझे भी लगता है एक चीज, आपने खट्टर, आपने नायब और मोदी कह दिया, मैं ये कहता हूं कि इसके पीछे जो भाजपा के सांसद, भाई सांसद के नहीं, भाजपा के विधायक, ना 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 ना, मैं विधायक और सांसद को दोषी कम मानता हूँ, उनकी तो चले ही नहीं, सांसद और विधायक तो रोते रहे। फैसला तो सिर्फ एक, मैं अकेला। अब बताइए आप, अग्निवीर योजना खट्टर लेके आए थे, अग्निवीर योजना मोदी साहब ने थोपी, जिसका कि हरियाणा के अंदर बहुत बुरा असर पड़ा। कानून, कृषि कानून जो लाए वो क्या खट्टर साहब लाए थे? वो मोदी ने, वो पहलवानों वाला भी, वो यूपी वाले ब्रजभूषण साहब, वो भी। हाँ, दो बातों में खट्टर साहब ने भ्रष्टाचार का साथ दिया, एक तो मनीष ग्रोवर का मामला, इनके सांसद ने कहा कि 400 करोड़ रुपए का अमृत योजना के अंदर घोटाला है, रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने और वहाँ के जो लोकल विधायक बलराज कुंडू बागादा 4 सीट विधानसभा में पेश कर रहे हैं, लेकिन खट्टर साहब ने एक बार भी नहीं सुना कि नहीं नहीं नहीं। ऐसे ही संदीप खेल मंत्री का मामला था,
महिला कोच के साथ हो रही है, चंडीगढ़ पुलिस FIR दर्ज कर रही है, दोषी क्यों बचा, हरियाणा पुलिस उल्टा उसको उसके खिलाफ वो कर रही है, बिल्कुल बचा रही है। अरे ये क्या तरीका था। अच्छा, एक लास्ट चीज, अब हम वही कह रहे हैं कि खट्टर से ज्यादा अगर हरियाणा में इम्पैक्ट हुआ है, अगर ये दोष खट्टर साहब को दे रहे हैं तो इससे ज्यादा अगर सत्ता जा रही है तो उसके लिए मोदी जिम्मेवार है। चलिए मोदी जी, अब तीसरी बात। हाँ जी, चुनाव से ठीक पहले जी जब ये चुनाव प्रचार खत्म होना था, उससे ठीक पहले हाँ जी जेल से निकाले गए गुरमीत सिंह। वाह क्या बात है, वो तो हर बार के वो है, जैसे पिक्चर में होता ना एक गेस्ट अपीयरेंस होती है एकदम से, कई बार फिल्मों में बड़ा स्टार होता ना। हाँ, और छोटे बजट की फिल्म और उसमें कोई बहुत बड़ा स्टार हो, जैसे एक वो पिक्चर आई थी अंदाज। हाँ, बहुत अच्छी पिक्चर थी, हालांकि उसमें शम्मी कपूर और हेमा मालिनी थे। हाँ, बहुत अच्छी वो था, शम्मी कपूर बहुत बड़े पुराने एक्टर, लेकिन उसमें एक राजेश खन्ना का एक गेस्ट अपीयरेंस थी, एक गाना था वो, उसमें वावाई लूट ले वावाई लूट के ले गए। तो ये राम रहीम को वावाई राम रहीम को भी ऐसे गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर लाया जाता है, और चुनाव के समय ही। सुरजेवाला जी, गेस्ट अपीयरेंस जो आप कह रहे हो मैं भी वही कह देता हूँ, अतिथि रोल। हाँ, ये नगर निगम के चुनाव में भी लाए थे इसको, नगर परिषद चुनाव में, वहां भी कोई फायदा नहीं मिला। अरे 11 बार आपने उनको नहीं, चलो सब में आते रहे, ये चुनाव का कह रहा हूँ मैं, चुनाव के समय ही ये नगर परिषदों के चुनाव जो हरियाणा में हुए तब भी लाए इसको जी, इस राम गुरमीत सिंह को। हाँ, देखिए मैं तो राम रहीम कह नहीं सकता उसको, नहीं ना, राम और रहीम है उसको, उसका नाम गुरमीत सिंह है तो गुरमीत ही कहूंगा मैं तो उसे, और वो एक क्रिमिनल है, अपराधी है, सजा याफ्ता मुजरिम है, मुजरिम है। ये हमारी धर्म भीरु जनता है जी, जो अध्यात्म के नाम पर, सनातन के नाम पर इनके ढोंग में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो गुरमीत ने एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को, बृहस्पतिवार की रात को जी, पहले दिन में नाम चर्चा के नाम चले, और फिर उसके बाद में एक और चर्चा हुई, और कहा गया कि डेरे के जो अनुयायी हैं, हाँ, उनको एक संदेश कर दिया गया कि वो अपने बूथ पर रहेंगे और एक आदमी 5 से 20 वोटरों को मैसेज करेगा और भाजपा को सपोर्ट करनी है। ये डायरेक्ट घोषणा कहीं नहीं होती है, हाँ, नहीं एक होती, संदेश एक होता, संदेश है, जाता है। इस गुरमीत सिंह का जो असर है जी, वो मान लें सिरसा में अच्छा असर है, फतेहाबाद में, बिल्कुल कुछ हिसार में, कैथल में, क्या असर रहेगा गुरमीत सिंह का चुनाव पर? देखिए, इसको हमेशा भाजपा इस्तेमाल करती है एक हथकंडे के तौर पर, और जो चुनाव आता है, मैंने पहले भी कहा था, बहुत से लोग तो ये कहते हैं हमें जब गुरमीत बाहर आता तो ये लगता है कहीं ना कहीं कोई चुनाव हो रहा है, ये एक सिग्नल है। अब उनको हर बार छोड़ा जाता है और चुनाव के ठीक पहले छोड़ा जाता है, तो वो तो निश्चित तौर पर यही है कि आपस की एक समझ है और उसका फायदा है जब ही इस तरह का भाजपा निर्णय लेती है। जो मैं पिछले कह रहा हूं, जहां तक असर है उनके अनुयायियों में तो निसंदेह कमोबेश असर, अनुयायी तो वैसे भी वोट दे रहे होते हैं, अगर जब फिर भी को मैसेज हो गया, देखिए फिर अनुयायी तो भाजपा के भी वोट दे रहे हैं, फिर मोदी को क्या जरूरत है ये करोड़ों रुपया खर्च करना और हरियाणा में दिखावा जरूरी भटकना है। दिखावा जरूरी है, प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह से चेहरा दिखाने के लिए ले आते हैं, इसलिए कहते हैं, अगर वोट तो फिर भी दे रहे हैं तो इसका भी मुझे लगता है कोई असर नहीं, क्योंकि जहां तक असर बता रहे थे, कैथल में मुझे लगता है बीजेपी 0 पे आउट हो रही है, सिरसा में बीजेपी 0 पे आउट हो रही है, चाहे इनेलो और किसी को सीट मिल रही है नहीं मिल रही, बीजेपी 0 पे है, हिसार में मुझे बीजेपी का कोई असर खास नहीं दिखाई दे रहा, कोई कहते बरवाला शरवाला सीट छोड़ के, है ना, 0+0 इज इक्वल टू 0, 0 ही रहेगा, यानी कि बीजेपी 0 की बढ़ोतरी तो हुई है, पहले 0 थी एक और 0, तो गुरमीत मिलने से कोई फायदा नहीं। हाँ, अंतिम सवाल नहीं, फायदा है, वोट बढ़ी है, वोट बढ़ी है, पर सीट तो नहीं आ रही ना, अंतिम सवाल पे आ रहा हूं, इतना आप पीछे हो तो बराबरी नहीं कर सकते, अंतिम सवाल पे आ रहा हूं हम इस, क्योंकि एक लास्ट में कहते हैं ना कहानी का मोरल ऑफ स्टोरी, हाँ, तो हमें भी इसका देना है जी, अंत कांग्रेस को मेजोरिटी, हाँ, बहुमत, 60 स्थाई सरकार, स्थाई सरकार, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेकार, हाँ, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जेजेपी का बंटाधार, बंटाधार, एनएलओ बीएसपी लाचार, हाँ, 2-3 सीट, तो ये इस हमारी चर्चा का मूल उद्देश्य, मूल बात जो निकल के आती है कि कांग्रेस की सरकार, बीजेपी का बंटाधार, जेजेपी और इनेलो बसपा लाचार जी,
कमेंट्स बॉक्स में आज आप जरूर बताएं आप हमसे कितने सहमत हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।